हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं जो हमारा फाइनेंशियल कैलकुलेटर है टेक्सास बीए 2 प्लस इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी फंक्शन एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी बटन्स को कैसे यूज कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी फंक्शंस। तो जैसा कि आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, ये जो एन है ये हम लोग का नंबर ऑफ पीरियड्स है, आई बाय वाई जो हम लोग का है दैट इज रेट पर पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सेमी एनुअल में काम करेंगे एंड सेमी एनुअल रेट हमारा 2% का है तो आई बाय वाई हमारा 2% हो जाएगा। पीवी हमारा होता है प्रेजेंट वैल्यू, पीएमटी हमारा होता है जो रेगुलर पेमेंट्स जो होते हैं, जो एनविटी जो होता है वो ये है, एंड एफवी हमारा है फ्यूचर वैल्यू। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक बेसिक फंक्शन लूंगा बॉन्ड का। तो आइए, ये जैसे हमारा बन गया टाइमलाइन, ये है हमारा 5 साल का बॉन्ड, ये हमारा 5 साल का बॉन्ड है। तो बॉन्ड में हाफ ईयरली हम लोग को कूपन्स मिल रहे हैं, सो ईयरली कूपन का रेट है हमारा 5%, ठीक है। एंड हमारा जो नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू जो है जिसपे हम लोग को कूपन्स लगाना है, नॉमिनल वैल्यू जो है हमारा वो है 1000 रुपीज। सो 1000 रुपीज का 5% कितना होता है, 50 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हाफ ईयरली कूपन्स है, सो 25 इज द कूपन अमाउंट एवरी हाफ ईयर। सो 5 साल में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, 10 हाफ ईयर्स होंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग को 25 मिलेगा, यहाँ पर 25 मिलेगा, फिर 1.5 पे 25 मिलेगा, सो ऑन, यहाँ पर हम लोग को 25 मिलेगा। एंड हम लोग को हमारा जो है वो रिडेम्पशन हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर 1000 रुपया, राइट, ओके। एंड इसमें हमारा जो रेट जो है, जो डिस्काउंटिंग का जो रेट है दैट इज 10% पर बेसिकली 10% पर एनम कन्वर्टिबल हाफ ईयरली। सो बेसिकली हमारा जो हाफ ईयर का जो रेट है डिस्काउंटिंग का दैट इज 5%। तो देखिए यहाँ पर दो रेट है, इन दोनों रेट में कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो 5% है ये हमारा कूपन का रेट है एनुअली, बट हम लोग का जो कूपन पेमेंट्स जो हो रहा है वो हाफ ईयर्स में हो रहा है, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू हमारा जो रिडेम्पशन अमाउंट है वो है 1000 रुपीज का, एंड 5 साल का हमारा बॉन्ड है, सो 10 हाफ ईयर्स हो जाएंगे, एंड 10% पर एनम कन्वर्टिबल हाफ ईयरली हमारा डिस्काउंटिंग का रेट है। तो हर हाफ ईयर का जो हमारा इफेक्टिव डिस्काउंटिंग रेट है दैट इज 5%। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं कैसे इसको यूज करना है। तो सबसे पहले n हमारा जो आएगा दैट इज नंबर ऑफ पीरियड्स। सो मैं 10 प्रेस करूंगा और मैं n प्रेस करूंगा, तो देखिए ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद में i बाय y हमारा है रेट पर पीरियड, तो रेट पर पीरियड जो था हमारा वो था 5, सो 5 इज माय रेट पर पीरियड, ओके। उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, एंड PMT जो एनविटी का जो हमारा फंक्शन है वो है 25, सो 25 हमारा PMT में चला जाएगा, एंड जो हमारा रिडेम्पशन नॉमिनल वैल्यू है वो है 1000 रुपीज का, सो 1000 रुपीज हमारा फ्यूचर वैल्यू में चला जाएगा, ओके। इट वॉज वेरी सिंपल। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कंप्यूट करना है प्रेजेंट वैल्यू, ओके, मेरे को कंप्यूट करना है प्रेजेंट वैल्यू, तो मैं दबाऊंगा कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाता है, हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाता है -806.96। इसमें क्या होता है ना, मैंने ये मान के चला है कि ये सारे जो कैश फ्लोज है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये सारे जो मेरे कैश फ्लोज है ये मेरे इनफ्लो है, तो आज मेरे को पैसा देना पड़ेगा, सो दिस इज माय आउटफ्लो, ओके, दिस इज माय आउटफ्लो। अगर मान लीजिए मैं सारे कैश फ्लोज को नेगेटिव में डालूंगा तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, ऑपोजिट चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूं 1000 को नेगेटिव में, ओके, आप इसमें ओवरराइड वाली फीचर भी है, इसमें ओवरराइड भी आप कर सकते हो। ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि आपको दोबारा से पूरा वर्क को क्लियर नहीं करना होगा, आप सिंपली 1000 माइनस जो मैंने लिख करके फ्यूचर वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, वो वाला चीज यहां पर हो सकता है। एंड 25 माइनस वाला बटन प्रेस कर दिया तो -25 हो गया, इसको मैंने पीएमटी में डाल दिया। अब अगर मैं कंप्यूट करता हूं प्रेजेंट वैल्यू तो देखिए ये मेरा पॉजिटिव आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो सारे कैश फ्लोज मैंने इसमें इनपुट किए वो मेरे को देना है एंड ये मेरे को मिलेगा, ओके, तो ऑपोजिट चलता है। एक और जो फीचर है, क्योंकि इसमें मैंने अज्यूम किया था कि बेसिकली जो मेरे एनविटी का जो अमाउंट है वो एंड पे आ रहा है, राइट, यही अगर मेरे को बिगिनिंग पे हो रहा है, अगर मेरा जो रेगुलर इंटरवल्स पे जो कैश फ्लो जो हो रहे, हो सकता है कि कूपन एडवांस में मिल रहा हो, तो उस चीज के लिए मेरे को एक चीज करना पड़ेगा, दैट इज द बीजीएन मोड, दिस इज द बिगिनिंग मोड जो मेरे को करना पड़ेगा सम को करने से पहले के लिए। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा,
किसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, मेरे को करना पड़ेगा सेकेंड पीएमटी सेकेंड एंटर। तो देखिए यहां पर ये बीजीएन का सिंबल आ गया, मैंने क्या किया सेकेंड पीएमटी सेकेंड एंटर, सेकेंड पीएमटी सेकेंड एंटर, ठीक है, इससे मेरा बीजीएन मोड अब आ गया। अब आप कैलकुलेटर को ऑफ करके ऑन करिए तो भी आपका ये बीजीएन मोड दिखाएगा, मतलब आप जो भी आप बेसिकली जो एनविटी वाले जो कैश फ्लोज डालेंगे वो आपका स्टार्ट ऑफ द ईयर पे आएगा, ठीक है ना। ओके, अब जैसे मान लीजिए इस मोड को मेरे को कैसे हटाएंगे, सेकेंड पीएमटी सेकेंड एंटर, तो ये बेसिकली अब मेरा हट गया, ठीक है ना। अगर आप ये चीज भूल जाएंगे तो आगे का आपका सारा जो भी सब होगा वो सब बीजीएन मोड पे ही होगा, ठीक है ना। तो सेकेंड पीएमटी सेकेंड एंटर करने से देखिए बीजीएन आ गया, ठीक है ना। एक बार वापस से इसी को कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, सो बेसिकली 1000 मेरा हो गया फ्यूचर वैल्यू, 25 मेरा हो गया पीएमटी, आई बाय वाई मेरा था 5 एंड 10 मेरा था एन, राइट। अब मेरे को करना है कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू, तो देखिए मेरा ज्यादा आ रहा है, राइट, मेरा ज्यादा मेरा यहाँ पर देखिए प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा क्यों आ रहा है, 816 क्यों आ रहा है, क्योंकि अब ये सारे जो कैश फ्लोज थे ये यहाँ पर होने लगे। मैं इसका टाइमलाइन आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली जो कैश फ्लो मेरा 0.5 पे था वो अब एडवांस में हो जाएगा, तो यहाँ 25 फिर यहाँ 25, इसीलिए ये बेसिकली मेरा आप देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू मेरा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।